हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसकी रिक्वायरमेंट काफी समय से आ रही थी। काफी बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे, काफी डाउट्स क्रिएट थे इसके ऊपर, और फार्मेसी के अंदर ये डाउट हमेशा ही रहता है, खासकर वो बच्चे जो कि बी फॉर्म कर रहे हैं। और वो डाउट ये है कि सर बी फॉर्म कर लिया है तो क्या उसके बाद एम फॉर्म करें, एम फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमको क्या फायदा पहुंचा सकता है, और करें तो क्यों करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही डिस्कस करूंगा कि एम फॉर्म के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन बच्चे एम फॉर्म करें कौन ना करें, और एम फॉर्म करने से हमको फायदा क्या होगा। ठीक है, मैं यहां पर इसी के ऊपर डिस्कस करूंगा, मतलब बेनिफिट्स ऑफ एम फॉर्म। यहां पर मैं इस पर बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाता है कि कौन सी ब्रांच से करें, क्योंकि आज जैसे कि आप जानते हैं कि एम फार्मा की आज काफी ब्रांचेस हैं, मतलब 10 से ऊपर ब्रांचेस हो चुकी हैं जिसके ऊपर एम फार्म हो रहा है, मास्टर ऑफ फार्मेसी। तो उन ब्रांचेस के ऊपर एक सिस्टमेटिक वीडियो बनाएंगे, एक एक ब्रांच को लेंगे और एक एक वीडियो हर ब्रांच के ऊपर बनाएंगे, और ये डिस्कस करेंगे कि किस ब्रांच का क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें हमको क्या पढ़ना पड़ता है, और उसमें हमको किस टाइप की जॉब मिल सकती है। बट यहां पर हमारा बेसिक मोटो जो होगा या बेसिक जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जिसपे होने वाला है वो यही है कि एम फार्मा के बेनिफिट्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एम फार्मा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एम फार्म से हमको फायदा क्या होता है। देखिए, एम फार्म से सबसे ज्यादा फायदा तो यही होता है कि हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ता है, हमारे पास मास्टर्स डिग्री आ जाती है। दूसरी चीज ये कि एम फार्मा करने से हमारे पास एक और ऑप्शन खुल जाता है फॉर जॉब, वो है एकेडमिक्स, हम टीचिंग में भी जा सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप एम फार्मा करें तो कोशिश करें कि आप रेगुलर बेसिस पे करें, जीपेट क्वालिफाइड करके ही करें, और एक अच्छे कॉलेज में करें जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। फैसिलिटी से मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो, लेबोरेटरी वेल मेंटेन्ड हो, पीएचडी स्टूडेंट्स हो, मतलब स्टूडेंट सॉरी पीएचडी प्रोफेसर्स हो, एक अच्छा फैकल्टी हो, अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट्स वहां पर हो, वहां का कैंपस आते हो, और उसी के बाद आप सिलेक्ट करें कि आपको कौन से कॉलेज के अंदर एम फार्म करना है। ऐसा ना करें कि डिग्री के बेसिस पे एम फार्म करें, तो उससे आपको एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप डिग्री के लिए एम फार्म करेंगे नॉन रेगुलर, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे कॉलेजेस खुल चुके हैं जो नॉन रेगुलर बेसिस पे एम फार्म कराते हैं, बच्चों को कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, बस आप एग्जाम देने के लिए आ जाइए और आपको हम एम फार्मा डिग्री दे देंगे। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि ओवर एजुकेशन जो होती है ना वो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज बी फार्म लेवल का है और आप एम फार्म की डिग्री लेके बैठे हुए हैं, और हर इंटरव्यू के अंदर जब आपसे एम फार्मा लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका लेवल ही बी फार्मा है, तो फिर आप बताइए आप जवाब कैसे दे पाएंगे, वहां पर आप फ्रॉड कहलाएंगे और आपका इंटरव्यू 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि आप कभी भी उतना ही नॉलेज और उतनी ही डिग्री रखें जितना आपके पास नॉलेज है। आप ओवर एजुकेशन जब भी कर लेते हैं तो यह आपके लिए आगे चल के काफी खतरनाक हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि एम फार्मा के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर किस किस को एम फार्म करना चाहिए। पहली बात तो है कि एम फार्म वो स्टूडेंट करे जो कि रिसर्च में आना चाहता है, रिसर्च में बढ़ना चाहता है, जिसके पास नॉलेज काफी अच्छा हो, जिसकी स्किल काफी अच्छी है, बेसिकली वही लोग ट्राई करें, क्योंकि वो बच्चे जो कि रिसर्च से जिनका कोई लेना देना नहीं है और जिनके पास पढ़ने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है, वो सेचुरेट हो चुके हैं, वो बिल्कुल भी एम फार्मा के लिए ना जाए, वो बी फार्मा के बाद ही जॉब करना स्टार्ट करें, या जिनको जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट है। आजकल ऐसे स्टूडेंट भी मुझे काफी मिलते हैं जो कहते हैं सर हम जॉब भी करेंगे एम फार्मा भी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिर आप रेगुलर बेसिस पे ना करें नहीं कर पाएंगे, और वो ओवर एजुकेशन हो जाएगी आपकी, और फिर वो बाद में प्रॉब्लम दे सकती है आपको। तो कोशिश करें कि अगर आप एम फार्मा करना चाहते हैं तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे ही करें, और वही काफी अच्छा होगा, क्योंकि आप तभी एक प्रॉपर नॉलेज और स्किल डेवलप कर पाएंगे अपने अंदर, क्योंकि जो कि एम फार्मा होता है ना वो एक डीप एजुकेशन होती है, वहां पर आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हर ब्रांच की डीपली उसको पढ़ना पड़ता है, एक अच्छी बुक प्रिफर करनी पड़ती है, उसका सिलेबस ही ऐसा बनाया जाता है जहां पर हमको जो प्रैक्टिकल्स है वो भी काफी लेंथी होते हैं, जिससे हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है और हमारा नॉलेज अच्छा बनता है, और देन फिर वो आगे चल के हमको काम आता है। तो कोशिश करेंगे केवल वही लोग एम फार्मा करें जो कि पढ़ना चाहते हैं, जिनकी स्किल और नॉलेज काफी अच्छा है, और जो कि एजुकेशन में आना चाहते हैं, आरएनडी में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एम फार्मा कर लिया तो केवल टीचिंग ही करेंगे, ऐसा नहीं है, आप इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं, आप फॉरेन भी जा सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, बट सिलेक्टिव रहें और कोशिश करें कि अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है, आप रिसर्च करना चाहते हैं और डीपली पढ़ना चाहते हैं, देन फिर आप एम फार्मा के अंदर आए, और आपके पास टाइम भी होना चाहिए 2 साल का, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे करना है।
यहां पर अब हम ये बात करते हैं कि एम फार्मा की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के अंदर बताया था कि एम फार्मा की ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं, बट कोशिश करें कि आप एम फार्मा कोर ब्रांचेस से करें। कोर ब्रांचेस वो होती हैं जो कि कोर हैं, और बाकी जितने भी फील्ड्स है या जितनी भी ब्रांचेस अभी एम फार्मा की निकली है वो सब कह सकते हैं कि एक्सटेंशन से सप्लीमेंट्री ब्रांचेस है, मतलब ब्रांच मेन ब्रांच से भी सिलेक्टिव ब्रांचेस निकली है। तो कोर ब्रांचेस कौन सी होती है? फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, आपकी फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी। ये ब्रांचेस जो होती है ना वो कोर ब्रांचेस होती है, और इन्हीं में जॉब लगने के चांसेस कब सबसे ज्यादा होते हैं। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिक्स की, तो अगर आप फार्मास्यूटिक्स से एम फार्मा करते हैं तो सबसे पहले तो आपको इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकता है सीधा का सीधा, और R&D के अंदर जॉब मिल सकता है जो कि ड्रग फार्मुलेशन से रिलेटेड होती है। वो R&D का काम जो फार्मुलेशन से रिलेटेड है, वहां पर सूटिक्स एम फार्म के पर्सन को रिक्रूट किया जाता है। अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री से एम फार्मा करते हैं तो आपको API इंडस्ट्री, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिल सकता है, और वहीं पे जो API में जो डेवलपमेंट होता है, R&D होती है, उसके ऊपर आपको जॉब मिल सकता है। वहीं अगर आप फार्माकोग्नोसी से अगर आप एम फार्मा कर रहे हैं तो आपको हर्बल इंडस्ट्रीज में जॉब मिल सकता है, हर्बल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड R&D के अंदर आप जॉब कर सकते हो। वहीं अगर आप फार्माकोलॉजीज में से रिलेटेड एम फार्मा करते हो तो आपको वहां पर क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल स्टडी, फार्माकोविजिलेंस स्टडी, एनिमल स्टडीज, इनके ऊपर आपको रिसर्च से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इधर जॉब मिल सकता है। टीचिंग का तो सबके लिए खुला हुआ, सब टीचिंग में तो आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप फार्मा एनालिसिस से एम फार्मा करते हो तो एनालिसिस में आप इंडस्ट्री के अंदर QC लेबोरेटरी के अंदर आपकी जॉब लग सकती है, ADL लेबोरेटरी के अंदर जॉब मिल सकती है जो कि मेथड डेवलप करने का काम करती है, ठीक है, या वो लेबोरेटरीज जो कि NABL एक्रेडिटेड है, जो कि इंडिपेंडेंट होकर रिसर्च वर्क करती है या टेस्टिंग करती है, तो वहां पर आपकी जॉब लग सकती है। QA या DRA, ड्रग रेगुलेटरी इफेक्ट, ठीक है, तो DRA के अंदर अगर आप करते हो तो आपको QA वैलिडेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब लग सकती है। यहां पर मैंने ये डिस्कस किया आपसे कि हमको जो एम फार्मा करना है वो कोशिश करें कि आप कोर ब्रांचेस से करें। उसका रीजन ये होता है कि जो PCI की जो रिक्वायरमेंट है फैकल्टी की, अगर आप एम फार्मा करके टीचिंग करना चाहते हैं, एकेडमिक्स में आना चाहते हैं, तो जो PCI की जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे ज्यादा फैकल्टी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कोर ब्रांचेस की होती है, जिसमें आप जैसे मान लीजिए कि बी फार्मा के अंदर एक कॉलेज के अंदर अगर 60 सीट्स हैं, 60 बच्चे एक बार में एडमिशन ले सकते हैं बी फार्मा के अंदर, तो उनको 17 फैकल्टी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, 17 फैकल्टी की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 4 फैकल्टी उनको मेडिसिनल केमिस्ट्री की चाहिए, 4 फैकल्टी चाहिए उनको सूटिक्स की, 2 फैकल्टी चाहिए, 2 या 3 फैकल्टी चाहिए उनको कोलॉजी की, ठीक है, और 2 या 3 फैकल्टी उनको चाहिए कोग्नोसी की, ठीक है, उसके बाद 1 फैकल्टी को एनालिसिस की चाहिए होती है, QA की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कोर ब्रांचेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं। तो जब आप एम फार्मा का कोई भी ब्रांच को सिलेक्ट करें तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझको मिलते और बोलते हैं सर एम फार्मा करने के बाद अगर हम टीचिंग में आते हैं या एकेडमिक्स में आते हैं तो हम अर्निंग हमारी काफी कम हो जाती है क्योंकि टीचिंग में सैलरी काफी कम होती है। बिल्कुल सही बात है कि टीचिंग में या एकेडमिक्स लाइन जो होती है बेसिकली वहां पर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी काफी कम है, बट आप अपने एफर्ट से आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की कोई बुक पब्लिश कर दें उससे आपकी अर्निंग हो सकती है, अगर आप गवर्नमेंट से कोई अच्छा रिसर्च वर्क लेके आ जाए, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लेके आ जाए, आपको एक अच्छी फंडिंग हो जाए, क्योंकि मैं काफी ऐसी फैकल्टीज को जानता हूं जिनके पास 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ की फंडिंग है, जिसमें वो अपना भी कुछ निकालते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा पैसा ही खा जाना है गवर्नमेंट का, ऐसा नहीं है, उनका जितना बनती है एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी जितनी मजदूरी लग रही है, एक नॉर्मल वर्ड में कह रहा हूं, मजदूरी नहीं है वो, उनका ब्रेन लग रहा है वहां, तो मजदूरी का मतलब तो फिजिकल वर्क से होता है, वहां उनका ब्रेन लग रहा है, तो उनका जितना भी लग रहा है उस हिसाब से वो थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं, और उस फंडिंग के अंदर उनका पैसा भी, यहां तक कि फंडिंग के अंदर मैं आपको चीज बता दूं कि जो प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है उसकी सैलरी भी उसके अंदर इंक्लूड है, और अगर वो किसी को अपॉइंट करता है एज ए जूनियर ऑफिसर या जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट तो उसकी सैलरी भी उस फंडिंग के अंदर इंक्लूड है। गवर्नमेंट केवल आपको रिसर्च के लिए पैसा दे रही है, इसका मतलब ये नहीं आपको पूरा पैसा रिसर्च के अंदर खर्च करना है, आपका भी, आपकी मजदूरी भी उसके अंदर है, और अगर आप कोई हेल्पर ले रहे हो, जूनियर ऑफिसर, जूनियर रिसर्चर ले रहे हो किसी को, तो उसकी भी पेमेंट उसी के अंदर इंक्लूड होती है, और ये टाइम टाइम पे इसकी वैकेंसीज भी निकलती रहती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये जूनियर रिसर्च फेलो कैसे बनते हैं, तो इसकी वैकेंसीज कंटिन्यूस निकलती रहती है। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, अगर आपको जूनियर रिसर्च फेलो बनना है तो एक तो आप GPAT क्वालिफाइड होने चाहिए या नेट क्वालिफाइड होने चाहिए, ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर एम फार्म भी होना चाहिए आपको, ठीक है।
और दूसरी चीज ये कि जो प्रोजेक्ट वर्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपकी फील्ड से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई मेडिसिनल वाला है वो सोटिक्स के लिए अप्लाई कर दे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। तो आप ऐसे टीचिंग में या ऐसे एकेडमिक्स के अंदर भी अगर आप अपनी खुद की बुक पब्लिश करते हो या आप कोई गवर्नमेंट की अच्छी फंडिंग लेके आ रहे हो तो उसमें भी आप अच्छे अर्न कर सकते हो। तो यहां पर एम फार्म की काफी वैल्यूज है और रहेगी। आज का जो टाइम है बेसिकली, तो अभी तो वैसे एम फार्मा में सेचुरेशन आ गया है क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज जो है फार्मा इंडस्ट्रीज वो अभी एम फार्म के लड़कों को इतना ज्यादा रिक्रूट नहीं कर रही है, बट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एम फार्मा की वैल्यू तो बढ़ेगी। हर डिग्री की बढ़ती है, हर डिग्री में ऐसा ही होता है कि हर डिग्री का एक डाउनफॉल आता है और जब कैंडिडेट की मार्केट में कमी हो जाती है तो फिर वो डिमांड बढ़ जाती है। ये हर डिग्री के अंदर होता है। आप इंजीनियरिंग में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, एक बार हर चीज का एक सेचुरेशन होता है और रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाती है, जॉब बिल्कुल भी नहीं होती है, और उस पॉइंट में यहां उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उस पर्टिकुलर डिग्री को कोई भी नहीं करता है और मार्केट के अंदर उसकी कमी, लोगों की कमी होना स्टार्ट हो जाती है और फिर रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ठीक है। तो एम फार्मा में भी ऐसा ही है। आज एम फार्मा के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, इसलिए एम फार्मा में आज बहुत सेचुरेशन आ गया है, बट आने वाले टाइम पे क्योंकि अभी काफी कम लोग जो है वो एम फार्मा कर रहे हैं, तो आने वाले 5 साल 6 साल 10 साल के बाद एम फार्म का जब एकदम से कमी हो जाएगी मार्केट के अंदर तो वहां पर फिर उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और फिर वहां पर उन लोगों को सैलरी अच्छी मिलेगी। तो उस बेसिस पे भी आप एम फार्मा कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा लंबा सोचना है, कुछ बड़ा सोचना है, तो ये वीडियो मैंने बेसिकली इसी पे डिस्कशन था कि एम फार्म की क्या वैल्यूज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और जो लोग एम फार्मा करना चाहते हैं वो क्यों करें और जो नहीं करना चाहते वो क्यों ना करें, और कौन ऐसे पर्सन है जो करें और कौन ना करें। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और वो ये है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड या इस टाइप के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो सजेशन भी आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं, और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।